हाय फ्रेंड्स, कर्तव्याज किचन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगेंगे और बिना मिलावट के शुद्ध देसी चीज़ों में बनकर तैयार होगी आपकी ये मिठाई। बिना मिलावट के बनने वाली इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश दूध। आप इंश्योर कीजिएगा कि जो आप दूध ले रहे हैं वो बिल्कुल गाढ़ा यानी कि बिना पानी वाला हो। आप फुल क्रीम का दूध भी ले सकते हैं। ये तो मैंने भैंस का 1 किलो फ्रेश दूध लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए, इस तरीके से हमें दूध को लगातार भूनते हुए गाढ़ा कर लेना है। हमें इसका टेक्सचर जब तक चलाना है जब तक कि ये रबड़ी जैसा ना हो जाए, तो हमें इसको बहुत ही गाढ़े स्टेज तक लेकर आना है इस तरीके से भून भून कर। मुझे इसे भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ गया है। और इसमें मैंने कोई भी मिल्क पाउडर या किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कि इसे हम फटाफट गाढ़ा कर सकें। ये ओरिजिनली इस तरीके से हुआ है। और अभी इसी स्टेज पर हमें डाल लेनी है, इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाली है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं वैसा बना सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसे एक लंच बॉक्स में स्प्रेड कर लिया है। आप चाहें तो किसी थाली में, किसी प्लेट पर, किसी पर भी इसे इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर चम्मच से हम इसे चिकनी सतह बना लेंगे इसके, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत अच्छे से जमे। तो इस तरीके से हम इसे सेट होने के लिए 15 मिनट छोड़ देंगे। फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। आप चाहें तो, अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो रख सकते हैं, वैसे मैंने इसको बाहर ही छोड़ा है। 15 मिनट इस तरीके से छोड़ने के बाद ये सेट हो चुकी है, लेकिन अभी हल्की सी गुनगुनी है, मतलब कि पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है। पर फिर भी मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। बाजार जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क भी डाल लिया था, ताकि ये हमारी देखने में भी बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई लगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसको उतारा था, तब भी उसके बाद भी जो चीनी है इसके अंदर अपना कलर छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो उतारने के बाद भी पकती रही थी, क्योंकि बहुत गर्म होता है ये। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि चीनी को 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ही फटाफट से इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा जिसमें भी आपको मिठाई जमानी हो। तो इस तरीके से हम मनचाही शेप देकर इनको कट कर सकते हैं। कोई भी व्रत हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, आप कोई गेस्ट आने वाले हो, इस तरीके से मिठाई घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें सामान भी ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ दूध चाहिए आपको और चाहिए चीनी। बस फटाफट से बनकर ये मिठाई तैयार हो जाती है और खाने में भी एकदम डिलीशियस होती है, बिना मिलावट की एकदम ओरिजिनल मिठाई बनकर तैयार हुई है घर पर हमारी। तो इस तरीके से मैंने इसे पीसेज में कट कर लिया है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी जो बर्फ़ी है बनकर तैयार हुई है। तोड़ते हैं तो एकदम अच्छे से टूट रही है ये, जैसे मार्केट की बर्फ़ी टूटती हैं। अब मैं इन सभी को निकाल कर इस तरह से प्लेट में सजा लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये अभी अभी थोड़ी सी गुनगुनी है, अच्छे से सेट नहीं हुई है। तो आपको 15 की जगह 20 मिनट लग सकते हैं इसे सेट होने के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में ये जल्दी से सेट भी हो जाएगी। तो हम सभी मिठाइयों को निकाल कर प्लेट पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की डिलीशियस और टेस्टी रेसिपीज़ लाते रहेंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सभी मिठाइयाँ बनकर हमारी रेडी हैं। आप भी इसको जल्दी से ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। सभी मिठाइयाँ बनकर रेडी हैं। 1 किलो दूध से बनकर हमारी 250 ग्राम मिठाई बनकर तैयार हुई है। जय हिंद, जय भारत।